हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेज. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर ग्रामर बुक्स सिक्स चैप्टर द सेंटेंस. इट मीन्स वाक्य. सी द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. शब्दों का एक समूह जो कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव देता हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. तो शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, उसे वाक्य कहते हैं. एग्जाम्पल्स, वी वॉच्ड ए मैच ऑन टीवी यस्टरडे. देखिए, हमने कल टीवी पर मैच देखा. तो इससे, इस सेंटेंस में ये वर्ड्स का ग्रुप है और इससे कंप्लीट सेंस निकल रहा है. तो ये क्या हुआ? पूरा सेंटेंस है. इंडिया वॉन द मैच, भारत ने मैच जीता. तो ये भी क्या है? एक सेंटेंस है. वी वर वेरी हैप्पी. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? द ऑल द अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैव देयर ओन सेंस, सो दे आर सेंटेंसेज. आपको जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें वर्ड्स के ग्रुप से मिलकर के सेंटेंस बना हुआ है जो कंप्लीट सेंस दे रहा है. ए सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर. जो सेंटेंस होता है, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है या जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. ए सेंटेंस एंड्स विद ए पंचुएटेशन मार्क. और इसका एंड किससे होता है? किसी भी पंचुएटेशन मार्क, इट मीन्स विराम चिन्ह के साथ में एंड होता है, चाहे फुल स्टॉप से हो, इंट्रोगेशन मार्क से हो या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से हो. लेकिन सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और पंचुएटेशन मार्क के साथ में एंड होता है. ओके, तो ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह से. फ्रेज क्या होती है? सी द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट इट इज इनकम्प्लीट इज कॉल्ड ए फ्रेज. देखिए, शब्दों का वह समूह जो सेंस तो देता है लेकिन वो पूर्ण सेंस नहीं देता, कंप्लीट सेंस नहीं देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज. फ्रेज मीन्स वाक्यांश. फ्रेज मीन्स क्या होता है? वाक्यांश, वाक्य का एक भाग होता है जिससे सेंस तो निकलता है, उसका कुछ अर्थ तो होता है लेकिन वह पूर्ण अर्थ नहीं होता है. जो कंप्लीट सेंस होता है वो सेंटेंस का होता है, जबकि फ्रेज का कंप्लीट सेंस नहीं होता है. एग्जाम्पल, ए क्रिकेट मैच. तो एक क्रिकेट मैच ऑन द चेयर, टेबल पर. तो ये मीन्स तो निकल रहा है इसका, लेकिन कंप्लीट मीन्स इसका नहीं निकल रहा है. ए फनी स्टोरी इन द पॉन्ड एट द बस स्टॉप लास्ट ईयर. ए फ्रेज डज नॉट कंसिस्ट वर्ब इन इट. देखिए, फ्रेज में वर्ब नहीं होती है. सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स भी होते हैं, बट फ्रेज में वर्ब नहीं होती है, इसलिए इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है. पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. सेंटेंस इट मीन्स वाक्य के भाग. सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. सेंटेंस दो भागों से मिलकर के बनता है. सेंटेंस में क्या क्या होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. तो इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन क्या होती है सब्जेक्ट की? शी द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट. वाक्य का वह भाग जो ये बताता है कि व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, इस सेंटेंस वाक्य किसके बारे में है, तो उसके मेन सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वाक्य किसके बारे में है, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल के लिए, रोहन वर्क्स हार्ड. रोहन कठिन कार्य करता है. तो वर्क, हार्ड वर्क कौन करता है? रोहन करता है. तो सेंटेंस किसके बारे में है? रोहन के बारे में. तो रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. और सब्जेक्ट के अलावा जो कार्य कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है, ये सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी होता है आगे, वो उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. वेयर डज सी लिव. तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? शी. क्या है सब्जेक्ट की? वह कहाँ रहती है? तो इसमें किसके बारे में कहा गया है? शी, उसके बारे में कहा गया है. तो सब्जेक्ट क्या हुआ? शी. ओके, तो आप सब्जेक्ट को सेंटेंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे कि सेंटेंस दे देगा, उसमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेलेक्ट करवाएगा, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. प्रेडिकेट डेफिनेशन देखिए प्रेडिकेट की. द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट.
सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। इस सब्जेक्ट के बारे में जब कुछ बताया जाता है तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। रोहन वर्क्स हार्ड, ये क्या है, रोहन तो क्या था, सब्जेक्ट था, और ये वर्क्स हार्ड ये क्या है, प्रेडिकेट, क्योंकि रोहन के बारे में कहा गया है कि वह कठिन कार्य करता है, हार्ड वर्क करता है, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है। वेयर डज सी लिव, देखिए शी तो इसमें क्या था, सब्जेक्ट था, और वेयर डज लिव ये क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, समटाइम्स सब्जेक्ट कम्स एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। एग्जाम्पल, इन द हार्ट ऑफ द सिटी लिव्ड ए रिच मैन, तो ए रिच मैन ये क्या है, पूरा सब्जेक्ट, देखिए ए रिच मैन के बारे में कहा गया आगे, तो ये सब कुछ प्रेडिकेट है, और ये ए रिच मैन क्या है, सब्जेक्ट है, और ये लास्ट में दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखें कि एंड में भी हो सकता है सब्जेक्ट और स्टार्ट में भी हो सकता है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें बीच में भी हो सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो कहीं भी आ जाए हम उससे आइडेंटिफाई कर सकें। इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू बट इट इज नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, लेकिन सेंटेंस में वो स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ नहीं होता है। ए वर्ब इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब एक इम्पोर्टेंट महत्व मुख्य भाग होती है, तो प्रेडिकेट में सबसे मेन पार्ट क्या होता है, वर्ब होती है, कि वर्ब से लेकर के आगे का जो पूरा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, तो उसका नोटबुक में आपको करनी है सेंटेंस की, तो आपको नोटबुक में ये सेंटेंस की डेफिनेशन करनी है, फ्रेज की डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल करना है सेंटेंस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, उसके बाद फ्रेज की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, के 5 काइंड्स के नेम लिखने हैं। ओके, यहाँ तक का आपको वर्क नोटबुक में करना है और चैप्टर को रीड करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना है। ओके, थैंक्स।